We're really, really excited to have you all join us today and support us for our fight against COVID-19. Those of you who have joined through Zoom webinar, you guys can see a question and answer box in front of you. If you have any questions for our guests tonight, please do put in your questions and we'll take those questions at the end of the session. We are also live on Facebook. Please do encourage your friends and family to join in. If you have any questions for us, please put those in those comment on Facebook and we will, you know, respond to those questions accordingly. So our host for the afternoon today is none other than Faiza Saleem. So over to you, Faiza. I'm going to just clap for myself, Sahar. Hello and welcome to Take COVID-19 Seriously. This is our first live event. This is our first live event because unfortunately, sorry, our fundraisers cancel ho chuke hain and this is all we have and this is all you have. So, jitna bhi entertainment hai, jo bhi khushi gham hai, wo aapke saath hum yahi pe live manayenge aaj and we will be talking about COVID-19 and its impact in Pakistan, in the communities in Pakistan. Which TCF already supports but is working to support them even further. आप लोग सोच रहे होंगे तो ये क्या कर रही है यहाँ पे? So मैं ये कह रही हूँ कि I have joined TCF as a girls education ambassador. I joined about 2 months ago. और मैं बड़ी reluctantly join करती हूँ organizations या कोई भी किसी commitment में, long term commitment में मुझे बड़ा problem होता है करने का, लेकिन TCF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि मैंने आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस वन. हर बंदा जो टीचर से लेके वॉलंटियर्स तक, वॉलंटियर्स से लेके जनरली एम्प्लॉइज, स्टूडेंट्स, हर कोई इतना ज्यादा इमोशनली वेस्टेड है TCF के अंदर दैट एवरी टाइम यू मीट समवन यू फील इंस्पायर्ड कि भाई आपने भी कुछ अपनी जिंदगी के साथ करना है, व्हिच इज व्हाई वी स्टार्टेड माय कैंपेन. एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो भी अपनी तकरीबन हमने 1/4 अपना गोल अचीव कर लिया, लेकिन अभी बड़ा लंबा रास्ता आगे है. एंड नाउ वी चेंज द नेचर ऑफ द कैंपेन टू फोकस ऑन COVID-19 रिलीफ दैट वी ट्राइंग टू प्रोवाइड इन आवर कम्युनिटीज दैट नीड इट द मोस्ट. एक ऐसी बात जो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ जरूर मुझे शेयर करनी चाहिए वो ये है कि जब भी मैं TCF के किसी इवेंट पर जाती हूँ, कोई भी इवेंट हो या इवन अगर मीटिंग हो जहाँ टीचर्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, आई मीन एनीवन एंड एवरीवन हैज एनीथिंग टू डू विद TCF, अगर मेरी उनसे मुलाकात होती है तो और बात होती है तो मुझे रोना जरूर आता है. तो अगर इस लाइव इवेंट में कुछ ऑकवर्डनेस हो जाए और मैंने आप मुझे रोते हुए देख लें तो माइंड नहीं कीजिएगा, बिकॉज अब ये आदत बन गई कि जहाँ 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 TCF से मेरा वास्ता पड़ता है मुझे रोना आ जाता है. नॉट बिकॉज मैं बहुत सेंसिटिव और टची हूँ, बिकॉज TCF इज सो इंस्पिरेशनल इन सो मेनी वेज. आप जब देखते हैं ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट TCF का, बिकॉज आई हैड हर्ड अबाउट TCF बट टू सी इट लाइव, इतने बच्चे जो है वो जिनको एजुकेशन ना मिलती है उनको उनको कुछ ना मिलता अगर TCF ने साथ ना दिया होता. एंड इवन दोस किड्स आर सो डेडिकेटेड, मैं सोची थी शायद ये वही बच्चे इतने ज्यादा शायद ना वैल्यू करते हो कि उनको इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है. इट्स टॉप नॉच एजुकेशन. आई बीन टू द स्कूल्स. इनिशियली टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगा था कि इतना ज्यादा स्टैंडर्ड हाई होगा ऑफ एजुकेशन ऑफ द होल सेटअप. आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ऑनेस्ट. मुझे लगा था कि बस यू नो थोड़ा काम चला होगा एंड आई वाज सो प्लेजेंटली सरप्राइज. एंड इसीलिए बच्चे भी इतने मेहनती, इधर से उधर भाग रहे हैं अपनी बुक्स के साथ, काम पे उनका फोकस है. क्लासरूम्स में आप जाओ तो आपको अस्सलाम वालेकुम सब एक साथ उठ के करते हैं, सबको जो भी आता है. और मैं 2-3 दफा क्लासरूम में जाऊँ तो 2-3 दफा खड़े होकर सलाम करते हैं वो बच्चे. दे आर सो वेल मैनर्ड एंड सो वेल टेकन केयर ऑफ. एंड अब जो है वो थोड़ा सिलसिला ये चेंज हो गया कि हमारे स्कूल बंद हो गए हैं. ऑब्वियसली पूरी दुनिया ने कोरोना से वी आर ऑल सफरिंग बिकॉज ऑफ कोरोना, बट आई थिंक पाकिस्तान में ज्यादा प्रॉब्लम ये है बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री. हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है. हम वो सब नहीं कर सकते जो शायद इटली या यूनाइटेड किंगडम में जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो अपने लोगों के लिए कर सकते हैं. हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है एंड व्हिच इज व्हाई वी नीड TCF. TCF जब भी कोई कलेमिटी पाकिस्तान में आई है, चाहे वो 2005 में अर्थक्वेक था या 2009 में फ्लड्स आए थे, तो TCF इज ऑलवेज स्टैंडिंग अप फॉर पाकिस्तान एंड इट्स पीपल.
तो एक बार फिर जो है वो TCF is coming forward with their fight against COVID-19 and TCF USA is helping them as well and participating fully. My $3 million appeal है TCF USA की and we are looking forward to your support today and for a long time after that. लेकिन अभी बहुत urgent है because the need urgent है. हम सोचते हैं कि हम चलो बाद में दे देंगे या मेरे जैसे लोग सोचते हैं कि भाई रमजान आएगा तो तब ज़कात के तौर पे बाद में दे देंगे. बाद नहीं है, अभी है जो करना है. तो जितनी जल्दी आप अपने फंड देंगे, डोनेशन देंगे, आपके पास लिंक्स भी आ रहे होंगे, प्लेज कर सकते हैं आप ऑनलाइन, आज आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, यू हैव द लिंक्स. प्लीज इफ यू कांट हेल्प आउट योरसेल्फ आस्क अदर पीपल टू डू सो, बिकॉज जितने ही हमें डोनेशन इस वक्त मिले वो हेल्प मिले, नॉट हेल्प मिले, आई वोंट इवन से डोनेशन, बट जितनी हेल्प सपोर्ट आपसे मिले उतनी कम है. हम आज स्टार्ट ऑफ करेंगे सेशन because we wanted to keep it light hearted. तो मैंने कहा बड़ा मुश्किल हो जाता है, रियाज साहब और नदीम साहब और ज्यादा परेशान हो गए कि ये लाइट हार्टेड क्या मतलब है, ये हमारा काम नहीं है भाई. तो हमने कहा कुछ तो हल्का फुल्का आपके साथ करेंगे. तो हमने इनको एक कॉम्पिटिशन में मैं डालूंगी और आप लोगों ने डिसाइड करना है. और एक्चुअली इट विल बी वेरी फेयर, आप लोगों को फौरन पता चल जाएगा कि कौन जीतता है. लेकिन उससे पहले उनको इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये दोनों ऐसी पर्सनैलिटीज है कि ऐसी पर्सनैलिटीज है कि मैंने उनको जब मैं TCF ज्वाइन किया था तभी मैंने उनके बारे में, दोनों नदीम साहब और रियाज साहब के बारे में बहुत सुना था. रियाज साहब ही इज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ TCF एंड ही इज लीडिंग द रिलीफ प्रोग्राम. एंड नदीम साहब इज अ वेरी पॉपुलर TCF अलमनस जिन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया. क्या क्या है जो इन दोनों ने नहीं किया हुआ, एंड दे बोथ यू नो डन वंडर्स अदरवाइज ऑल्सो, बट TCF में बड़ा दोनों का इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं दोनों. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई गेट टू शेयर द स्क्रीन विद देम टुडे. तो रियाज साहब and Nadeem sahab, please welcome them both. इनके ये जितनी तालियां हम बजाएं कम है, हम थोड़ी ज्यादा बजा दें. आप लोग घर से फ्री है ना तालियां? तो बहुत शुक्रिया फायजा, थैंक यू. एंड थैंक यू एवरीवन हुज हियर. मेरे ख्याल में ये TCF खानदान जो है हमारा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और ये ऐसा मौका है जिसमें तमाम दुनिया से हमारे सपोर्टर और साथी आज यहाँ मौजूद हैं. तो तमाम लोग जो आज मौजूद हैं सबका आने का शुक्रिया. TCF USA की माशाल्लाह बड़ी होनहार टीम है जिन्होंने इन दीज रादर अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस से मैनेज टू पुल ऑफ एन इवेंट लाइक दिस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फायदा आपका शुक्रिया. आई थिंक मुख्तलिफ लोगों को शोहरत मिलती है, मगर शोहरत का इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं. आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीका है सुना है अपनी शोहरत के इस्तेमाल का. सो वेलकम टू द TCF फैमिली. थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. शुक्रिया, बहुत बहुत फायदा आप तारुफ का. और आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन हुज देयर एंड आई लुक बहुत I think Nadeem Saab is breaking up. I think he'll be joining us again in a little bit. Riyaz Saab, do you know what's going to happen tonight? आपको पता है कि आपके साथ आज क्या होने वाला है? सबसे शुरू में आपको हमने अटैक करने का सोच लिया कि पहले ही से पहले कि आप भाग सकें. भाई देखें, मुझे ये बताया गया था कि आपकी शोहरत से इतना मैं वाकिफ नहीं था और इस तरह के मौकों पे खुद को कम पाया, मगर आज आपके साथ है, जो आप चाहें वो मुनासिब. तो यानी कि आपने अपने हिफाजती बंद बांध लिए? जी जी बिल्कुल, क्योंकि एक से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी आपको इस गेम के लिए. भरोसा है आपके ऊपर, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा. ठीक है, तो ऑडियंस को मैं बताती चलूं कि मेरा एक शो है 2 मिनट्स विद फायजा सलीम, जो कि इसका season 1 आ चुका है. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द सिचुएशन आई हैव नॉट बीन एबल टू शूट season 2 ऑफ इट. तो उसका एक बड़ा लो बजट ऑप्शन मैं आपके लिए लेके आएंगा, वो एक सेगमेंट बन चुका है. और बस अब यही है. इसमें होगा क्या कि मैं रियाज साहब से कुछ सवाल पूछूंगी और हमें देखना यह होगा कि क्या रियाज साहब जो है वो 2 मिनट में एक 10 क्वेश्चन से ज्यादा आंसर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो वो देखते हैं, हम 2 मिनट्स में इनसे सवाल पूछूंगी. और बड़ा रैपिड फायर होते हैं ये रियाज साहब, तो आपका अपना नुकसान है अगर आपने बहुत लंबे आंसर दिए, लेकिन आंसर अच्छे भी होने चाहिए. बिल्कुल छोटे छोटे आंसर से मजा नहीं आएगा.
बिल्कुल ठीक जी, ठीक है ना रियाज साहब, तो आपको मैं टाइमर लगा रही हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठे हैं अबूजर, वो टाइमर पे चेक करेंगे कि हम सही टाइम पे शुरू और खत्म हो रहे हैं, तो टाइमर जब अबूजर लग जाए तो आपने मुझे सिग्नल देना है। नदीम साहब, हम रियाज साहब के साथ शुरू कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक पहले होगा, फिर आप तैयार है, माशाल्लाह, तो आप बस तैयार है और देखें कि क्या होता है इसमें। दो मिनट में रियाज साहब कितने सवाल उनके जवाब देते हैं, ये दुनिया भी देखेगी, आप और मैं भी देखेंगे। Absolutely, go for it. ठीक है, 2 minutes. So start. Let me know when you start. So 1, 2, 3, go. Rasam, how long have you been serving TCF for? 13 years. Where did you grow up? Karachi. Two qualities that set you apart as a leader. Level-headedness, perhaps, and having a great team. Two qualities that make you a great husband. I think I am probably supportive of my wife, and I have selective memory. Two habits that you think your wife doesn't like about you. Probably I can be a bit too serious and boring. And when I cook well, but I make a lot of mess. Okay. If you could change one thing about the for-profit sector, what would you change? I would change the dividend structures so that there's a better spread of money coming through capital. Yeah, so what's the difference between a pandemic and an epidemic? I think the latter, the pandemic, has a much wider reach, and an epidemic has a smaller geographical reach. Good, because we're always confusing COVID. Acha. What COVID personality would you say you are? Are you the alarmist or are you the believer? What COVID personality? Kya hai aapki COVID personality? So I have no idea what COVID personalities mean, but matlab different type ke log hote na, ek alarmist hota hai jo panic create karta hai, ek hota hai ki nahi musalmanon ko nahi COVID ho sakta, ek wo believer hota hai, to aap kaun si category mein aayenge? Ghaliban in the category ke jo ho raha hai wo ho raha hai, and you must look at the situations that you're confronted with and deal with them to the best of your ability. Pareshan bhi nahi hona, magar logically ek masla jab samne aata hai usse deal kar. I don't know what category. Okay. Time's up, Riyaz Saab. I think you're the go-getter category, which you are in real life and general life also. So aapne bas apni personality jo bhi generally chalti hai wo aap COVID ke waqt bhi leke chal rahe hain saath. That's good. You've answered 8 questions. Not bad, not bad. On average, jo 15 answer kar lete hain. But aapne 8 kiye, that's also good. It's your first time. Inshallah, aapko aadat ho jayegi mere saath jitna jitna aap log baat guzarenge TCF mein is type ki competition ki. Aur ab Nadeem ko advantage hai, isne misal dekh liye to ab ye 10 aaram se kar le. बस उनके सवाल जो है डिफरेंट है, लेकिन देखते हैं कि नदीम साहब जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी को वो जायज है पॉपुलैरिटी, या बस एक लोग बोलते रहते हैं नदीम साहब की तारीफ में। तो नदीम साहब, ये एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है आपके और रियाज साहब के बीच में। समझे जी, रियाज साहब जो है वो मेरे उस्ताद हैं, तो मुकाबले का तो मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये है कि अब आपने इस पोजीशन में रखा है तो मैं कोशिश करूंगा कि उस्ताद को मायूस ना करूं। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा वैसे बात होती है पहले ही कह देना कंपटीशन शुरू होने से पहले कि मैं कम्पीट कर नहीं रहा, तो जो भी होता है अच्छा ही होता है इनमें। एक्सपेक्टेशन मैनेज करके सबकी जी बेहतर। ठीक है नदीम साहब, आप रेडी हैं? उनका टाइम ऑन जी, बिल्कुल ठीक है। 1, 2, 3, गो। व्हाट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार, व्हाट डू यू थिंक इट इज? आई थिंक आई रिमेन कनेक्टेड विद माय ओन पीपल, दैट इज सो फार। आई फील के ये कामयाबी का मायार है मेरे लिए। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। I think disciplined, focused, and
sometimes not very serious about stuff. Three things you can't tolerate in a colleague. Ek colleague mein kya cheez bardasht nahi hoti? Kya teen cheeze hain? Miscommitment, or you know, karna kuch aur batana kuch, like not be very honest with the work, and mujhe tolerate na karna. सही है, आपको टॉयलेट ना करना भी बुरी आदत है. ठीक है, हम स्कूल द टीसीएफ हैव, सो टीसीएफ हैज एग्जैक्टली 1623 ओके. व्हाट कोविड पर्सनालिटी आर यू? कोविड पर्सनालिटी आपको समझ आ गया होगा कि मेरा क्या मकसद है. आपकी कोविड पर्सनालिटी क्या है? आई थिंक आई एम दैट जज्बाती वाली, अलार्मिंग वाली पर्सनालिटी के उठो उठो लुट गए और जल्दी जल्दी करो और करना होगा. या लुट गए, ठीक है, लुट गए, ठीक है. फर्स्ट प्लेस यू विल विजिट आफ्टर द लॉकडाउन एंड? फर्स्ट प्लेस यू विल विजिट, आई थिंक द आईबीए मेन कैंपस. आईबीए मेन कैंपस, yes. Salam. Salam ya aapko, Nadeem sahab. Okay. And your time's up, Nadeem sahab. 6 answers aapne diye. I lost the game. Yeah, you lost the game, but such is life, Nadeem sahab. Such is life. Ab har cheez mein to nahi jeet sakte na. Ab har koi World Bank ke sath to kaam karne ka nahi milta unko. To har kisi ko zyada question ke answers nahi milte. Theek hai. To 6 answers aapke the aur Riyaz sahab ke 8 the. रियाज साहब और नदीम साहब, आप लोगों को एक्सपेक्टेशन थी ये कि ऐसा स्कोर होगा या रियाज साहब आपको लगा था नदीम साहब जीत जाएंगे? देखिए, नदीम भी जीतने की उम्मीद तो बहुत थी, मगर अब अगर मैं जीत गया हूँ तो उम्मीद ये है कि फायजा के आपकी तरफ से जब कोविड खत्म हो जाएगा कुछ तोहफा आएगा मेरी तरफ. जब जीतते हैं तो कुछ मिलता है. रियाज साहब, ये मैंने बड़े बड़े बहुत सारे जो है पर्सनैलिटीज को आप जैसी या आपसे भी मतलब यू नो आसपास की पर्सनैलिटीज इतनी रिस्पेक्टेबल, उनको मैंने थोड़ा सा जो है वो चूना जैसे कहते हैं लगाया हुआ है. हर कोई अपने प्रेजेंट के इंतजार में, फिर मैंने कहा प्रेजेंट तो नहीं होगा, केक भेज दूंगी, लेकिन केक भी मैंने कभी आज तक नहीं भेजा है. ये पूरा शो मैंने ऐसे ही निकाला है. चीपू थोड़ी सी चीपू. ठीक है रियाज साहब, आपको बस पता है ना कि आपने जीत लिया. बिल्कुल ठीक है, दैट्स एनफ. ठीक है रियाज साहब, आपसे कुछ अब जरूरी सवाल पूछेंगे क्योंकि मेरे ख्याल में सब इसलिए आए हैं कि उनको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिले हमारे रिलीफ एफर्ट्स के हवाले से. मुझे खुद जो है एज अ ले पर्सन, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछने थे जो मुझे लगा था कि जरूरी है. सबसे पहले तो ये एक बेसिक सवाल है कि व्हाट इज टीसीएफ कोविड-19 रिलीफ अपील, हम है क्या ये, व्हाट इज इट, अगर मैं आपसे पूछूं? जी तो देखें, ये जो कोविड का सिलसिला हुआ है, इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स दैट इज ग्लोबल इन नेचर. और आजकल हम उस दौर में हैं कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि वक्त बहुत सारा नहीं गुजरा है. दिस इज लिटरली समथिंग विच इज अबाउट व्हाट 4-4.5 वीक्स ओल्ड. कराची में लॉकडाउन जो है इफेक्टिवली 23-24 मार्च को शुरू हुआ है और टीसीएफ की कोविड अपील 1 अप्रैल को शुरू. हमारी कोविड अपील के, एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड हियर एज वेल, 4 बड़े कॉम्पोनेंट्स हैं. The first is building on our assets, which is TCF का अगर कोई असासा है तो वो है हमारे टीचर और हमारे alumni. Now, बहुत से लोग ग्रीफ के ऊपर काम करें, मगर TCF जहाँ पे मुख्तलिफ है वो ये कि हमारे पास हजारों alumni, about 20,000 alumni, 15,000 स्टाफ ऐसा मौजूद है जो कि उन्हीं कम्युनिटीज का हिस्सा है जहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल है. और मुश्किल से मेरी मुराद ये कि जहाँ लोगों का रोजगार नहीं रहा है, जहाँ उनके लिए खाने की जिंदगी के बुनियादी जरूरियात के मसले आ रहे हैं. So the first part of our appeal is relief for those who are really in need. Or that role is being played by alumni and our teachers who can identify those particular households jinke liye hum cash transfers kar rahe hain takriban 2,500 rupaye ka, to usse unke ghar ka jo kharcha hai wo kam se kam 15 din ke liye bunyadi khane peene ka kharcha pura ho jata. So that's the first component. The second component is that across the country you have frontline health workers and volunteers working to help you know, circumvent the needs that are arising out of this particular crisis. So, unke liye personal equipment ki supply, taki wo hifazat se ye kaam kar paaye. Dusra humne ahd ye kiya ki us supply mein apna kirdaar ada karenge. Teesra bada kaam ye hai ki jo bacche gharon par rahe,
उनके लिए तालीम जारी रखने का अमल जो है वो रुकना नहीं चाहिए. There must be a continuity of learning. And for that continuity, whether that's through technology, whether that's through television or through the print media, exploring a raft of options and started a number of things that I can talk about in more detail, but the number of initiatives around that so that the children who are at home, they continue to learn. और चौथी और आखिरी बड़ी चीज ये है कि ये तीनों काम जिनका मैंने जिक्र किया वो हैं जो कि जिस दौरान कोविड है, जिस दौरान स्कूल बंद है, उस दौरान है. मगर इंशाल्लाह कोविड से आगे एक जिंदगी है. इन बच्चों ने वापस स्कूल आना है और उसके लिए जरूरी है कि वो असातिज़ा उनको पढ़ाते हैं वो मौजूद रहे. आवर टीचर्स ऑल्सो कम फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, सो द फैक्ट दैट वी कंटिन्यू टू पे दैम, द फैक्ट दैट द सैलरीज कंटिन्यू इज एन एनोमली इन अ सर्कमस्टांस. बहुत से और जो ऑर्गेनाइजेशंस या इदारे हैं या बिजनेसेस हैं वो लोगों को इस वक्त तनख्वाहें नहीं दे पा रहे. हमने तहिया किया है कि हम ये नहीं चाहेंगे कि इन हालात में इससे पहले कि हम किसी और की रिलीफ करें ये ना हो कि हमारा अपना स्टाफ, हमारी टीचर, हमारे चौकीदार जो हैं उनके खाने पीने के मसले पैदा हो जाएं. तो चौथी बड़ी प्रायोरिटी है कि हम लोगों की तनख्वाहें जारी रख सकें और साथ साथ ये कि हम स्कूल तैयार रख सकें ताकि जब ये सिलसिला ख़त्म हो तो हम बच्चों को वापस स्कूल लेकर आ सकें. सो रिलीफ फॉर दोज इन नीड, सपोर्ट फॉर फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स एंड वॉलंटियर्स, कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग, and lastly sustaining families of teachers and staff and having our schools ready to accept children back into schools. Riaz sahab, aapne ye bada acha point raise kiya because kafi logon ka jo daily wage earners hain ya jo jaisa aapne bataya ki schools mein aaye hain chowkidar hain unko unka unko cut off kar diya ja raha hai aur TCF jo hai aur meri baat jab maine pehle bhi suni thi aur dekhi hai कि TCF is still paying its employees और अपना जो भी आप लोगों के से affiliated हैं ऐसे लोग जिनको otherwise उनकी family बहुत बुरी तरीके से affect होंगी उनकी आप salaries दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है. It's very commendable. I think अगर हम ये live event कर रहे होते तो we would have raised a lot of applause for this because I think this is really amazing and I would say कि लोग अपनी personal capacity में भी ये चीज को थोड़ा follow करें अपने घरों में अपने डोमेस्टिक स्टाफ वगैरह के साथ भी. अच्छा रियाज साहब, ये तो है कि भाई ये अब क्या है, व्हाट इज द अपील, राइट? तो ये कौन से कुछ एरियाज आपने टारगेट किए हुए हैं? आर देयर सर्टेन कम्युनिटीज दैट यू टारगेटिंग? आई नो दिस इज नेशन वाइड, राइट? तो कोई अभी कौन से एरिया से स्टार्ट किया है एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन? जैसे फॉर एग्जांपल कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग में क्या चीजें अभी तक कर ली? आई नो बहुत कम टाइम गुजरा है बट TCF is really efficient and works fast. So, kya cheezein bhi already humne achieve kar li hain? Bilkul ji. So, COVID appeal humne launch ki thi pehli April. Today is the 19th. We are literally in the 19th day of our work. Alhamdulillah, glad to say that teams, mashallah, TCF ke andar aise log maujood hain jis tarah aapne kaha wo pure dil se pure jazbe se kaam karte hain. और कई टीमें यहाँ पे जो कि आजकल रातों को 6 घंटे ज्यादा नहीं सो रहे और वीकेंड्स पे भी काम, और उसकी मदद से कुछ बड़ी चीजें हो पाई. सबसे पहले तो हम रिलीफ की तरफ आते हैं. पहली को हमने अनाउंस किया पायलट कम्युनिटी हमने 5 तारीख को, जहाँ पे नदीम की ही वो कम्युनिटी थी इब्राहिमपुर, वहाँ से सिलसिला शुरू किया. वहाँ पे नदीम और उसके साथियों ने 500 फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया. हमारा पार्टनर इसमें जैस कैश है जिसकी मदद से हम मोबाइल ट्रांसफर्स करते हैं, यानी फैमिली के पास SMS आता है 2,500 रुपए का और वो अपने मोहल्ले में जो उनका मोबाइल बैंकिंग एजेंट है उससे जाकर पैसे कर सकते हैं. तो 5 अप्रैल को हमने पहला ट्रांसफर किया. आज 19 को बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि वी हैव डन मोर देन 20 ट्रांसफर्स. वी आर प्रॉबली ऑन अ 23rd और 24th कम्युनिटी, क्योंकि इन कम्युनिटीज को हम जानते हैं. तो अपने स्टाफ और अलुमनाई की मदद से हमने पूरे मुल्क में तज्जिया किया कि किन कम्युनिटीज पे सबसे ज्यादा कोविड का इम्पैक्ट, और उन कम्युनिटी का तयन करने के बाद we've reached out to alumni, we've reached out to our teachers who have then gone from door to door and understood who are the people who are most in need of support. And we have then mobilized Yaskash to be able to do it. So starting with the first community on the 5th, we've already done 22 or 23 as we speak. Starting with the first 500 on the 5th, we've already benefited about 7,000 families. And another great attribute of this is that because TCF is a nationwide organization, it's probably the only organization which is also running a nationwide relief operation. अब तक जो काम हुआ है वो ना सिर्फ कराची के गिरदुनवा में हुआ बल्कि पिछले हफ्ते हम गंबर्ट गए जो कि सखर के करीब एक गांव है और जहां पे लोगों की सबसे बड़ी जरूरत होती है. क्योंकि जब वहां गांव का बताया गया तो मेरा ख्याल और सवाल अपनी टीम से ही था कि भाई गांव पे तो इतना कोविड से फर्क नहीं पड़ा, आप क्यों वहां सपोर्ट के लिए गए? उन्होंने कहा जी वहां अक्सरियत उन लोगों की है जिनका जरियो है माश सरकर और लड़काना का जो बस अड्डा है वहां पे भीख मांगना है, और क्योंकि बसें खत्म हो गई हैं, इंटरसिटी ट्रैवल अब नहीं हो रहा, तो उन लोगों के पास भीख मांगने की कोई जगह नहीं.
और देखो वो कुछ नहीं कमा पा रहे और उनके लिए मुफलिसी का दौर आ जाए. So we've gone to Gambatnya Sakhar, we've gone to Gharo, we've gone to Shaidu in Khyber Pakhtunkhwa, we've gone to Nowshera, we've gone to a village called Bara Alladad in Punjab. और अभी हम सुरबंदर इंशाल्लाह अगले दो दिन में जाने वाले हैं हमारे बलोच भाइयों के साथ ताकि पूरे मुल्क में ये काम कर सकें. So, अल्हम्दुलिल्लाह, there have been big strides made. जहाँ साहब और ये मेरा सवाल नदीम साहब के लिए भी है. नदीम साहब आई थिंक डिस्कनेक्टेड. नदीम साहब आप अयोध्या. नदीम साहब आपके लिए मेरे पास एक सवाल है. आप इब्राहिम गोट में बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं और हमेशा काफी सालों से हमेशा से बल्कि कर रहे हैं. अभी इब्राहिम गोट में आपने जो अलमना नेटवर्क को मोबिलाइज किया है वो किस तरीके से किया है और इब्राहिम गोट में जब रिलीफ रिसीव हुआ तो लोगों के क्या तासर थे और क्या अवेयरनेस है कोविड 19 के हवाले से इन छोटी कम्युनिटीज में या आर यू गाइस आल्सो हैविंग टू एक्सप्लेन टू देम कि ये किस तरह बड़ा सॉर्ट ऑफ डिजास्टर हुआ है. देखिए आई थिंक देयर आर थ्री पार्ट्स टू योर क्वेश्चन. नंबर वन, हाउ डिड वी मोबिलाइज आवर एलुमनाई. इब्राहिम गोट में चूंकि टीसीएफ ने के जो पहले कुछ स्कूल थे उनमें इब्राहिम गोट का स्कूल भी शामिल है इसलिए हमारे पास इब्राहिम गोट में एलुमनाई की जो तादाद है It's around 700, and out of 700, we have 360 boys in Ibrahim Gurt only. So when you know Riaz Saab and the team informed us about the COVID-19 relief that TCF has taken up, our alumni actually, you know, we have been living in this community for the last 20-25 years, and we have spent all of our lives here. So we know people. किसके माली हालात कैसे हैं और किसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. तो हम जब लोगों तक पहुंचे और आपका जो सवाल कि लोगों का जो है वो रिएक्शन कैसा था रिलीफ के बाद, मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी जो है वो शेयर करूंगा. हमारी पिछली गली में एक खातून रहती हैं जो कि सिलाई का काम करती हैं और वो सिलाई जो है वो उन्हें करीब की एक टेक्सटाइल मिल की तरफ से मिलती है जो कि वो अपने घर में बैठ के सिलाई का काम करती हैं. उनकी 5 बच्चियां हैं और उनके जो खावंद हैं उनका इंतकाल हो चुका है और वो किराए के मकान में रहती हैं. चूंकि किराया 2000 है जो कि शायद बहुत ज्यादा नहीं लेकिन उनके लिए ये बहुत ज्यादा है. जब ये कोविड 19 की वजह से लॉकडाउन हुआ तो जिस फैक्ट्री से उन्हें सिलाई का काम मिलता था वो मिलना बंद हो गया और उनके लिए अपने घर पे अपने बच्चों को लिटरली जिस तरह हम अंग्रेजी में कहते हैं टू पुट फूड ऑन द टेबल वो करना ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो गया. तो व्हेन वी रीच्ड आउट टू हर उनका हमने डेटा कलेक्ट किया टीसीएफ को प्रोवाइड किया और थ्रू जैस कैश जब उनको पैसे मिले तो लिटरल क्राइम शी अट्रिब्यूटेड हिज हेल्प टू कम एंड बिल्कुल उनकी बात को अग्री की उनकी भी क्या किया की तरफ से आपकी मदद है. तो दिस इज जस्ट वन स्टोरी एंड वी हैव अराउंड यू नो 512 सिमिलर स्टोरी फ्रॉम अक्रॉस इब्राहिम गोट. आई कुड हैव शेयर्ड ऑल ऑफ देम बिकॉज आई हैव देम ऑन माय हेड बट सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सो आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट. जो तीसरा और आखिरी कॉम्पोनेंट था आपके सवाल का वो ये था कि अवेयरनेस कैसी है. अक्सर लोगों का ख्याल है कि ये जो कच्ची आबादियां हैं वहां पे गरीब लोग रहते हैं ये नस्लों से स्कूलों में नहीं गए और ये जो है इनमें शऊर की कमी है एंड यू नो दे डोंट टेक थिंग्स सीरियसली एंड 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 सो ऑन. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. हमारे यहाँ इब्राहिम गोट में वी हैव 6 मॉस्क्स एंड दीज 6 मॉस्क्स आर फ्रॉम 3 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स. हमारे एलमनाय जो हैं दे आर माशाल्लाह अवेयर एंड लॉजिकल के दे रीच आउट टू दीज द स्पिरिचुअल लीडर्स एंड द क्लेरिक्स ऑफ द मॉस्क और उनको उन्हीं के स्कूल ऑफ थॉट के जो रिलीजियस लीडर्स थे उनके उन्होंने वीडियोस दिखाए अपने स्मार्टफोन्स पे थ्रू 3G एंड 4G यू नो कनेक्टिविटी कि ये देखें आपका अपना स्कूल ऑफ थॉट का जो रिलीजियस लीडर है वो इस पेंडेमिक के बारे में ये तीनों चारों बातें कह रहा है जो कि गवर्नमेंट ने और डिफरेंट एजेंसीज ने वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी एंड दे वर रनिंग ऑन द चैनल्स. तो व्हाट हैपेंड के वो जो इमाम थे मस्जिद के उन्होंने अपने जुम्मे के खिताब में उन सारी एहतियातों को जो कि एलमनाई ने उन्हें बहुत अच्छे से समझाई और उन्हें कन्विंस किया
through the leaders of their own school of thoughts ke ye dekhenge aapke apne log ye keh rahe hain aur unhone jab logon ko kaha aur aam jo saade log hain jo mazdoor hain jinki schooling nahi hai formal wo jab masjid mein member pe baithe hue kisi sahab se koi baat sunte hain to wo use a divine rule ki tarah jo hai wo adopt bhi karte hain aur us pe fir amal bhi karte hain religiously to awareness ka level ab ye hai ke masjidon mein logon ne khud social distancing shuru ki hai log shayad main samajhta hu ke Karachi ke bahut se posh ilakon mein aapko itni ehtiyat aur itni awareness na mile jitni ke agar aap Ibrahim Ghat aaye to aapko nazar aayegi ये आपने बड़ी जरूरी बात कही और ये है जनरली लोगों को एक तो अवेयरनेस बाहर नहीं होती इवन कम्युनिटीज के बाहर लोगों को लगता है कि शायद इनको नहीं पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं बट आई थिंक TCF का एक और जो ये रोल इस पूरे पेंडेमिक में TCF ने एक पॉजिटिव रोल अदा किया है वो ये है कि मैं देखती थी कि जो बच्चे हैं जो ये स्कूल जाते हैं वो अपने माँ बाप को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपने जो है वो हाथ धोने हैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में ये बच्चे बच्चियां जब जाके आगे अपने क्योंकि हम सोचते ना जैसे मेरे कैंपेन के बारे में लोग कहते हैं कि अभी क्या लड़कियों का आप लोग सिर्फ पढ़ा रहे हैं बट लड़कियां अपने पूरे घर को आगे जाके एजुकेट करती हैं तो छोटी छोटी बच्चियां भी मैं वीडियो देख रही थी कि वो बच्चियां जो है वो सिखा रही है अपने फैमिलीज को कि किस तरीके से इससे डील करना है अच्छा ये भी एक आई थिंक पॉइंट जरूरी रेज करना चाहिए डोनेशन हेल्प देते हुए लोगों को जो है वो एक रिलक्टेंस अब ये होती है कि भाई पता नहीं सही जगह पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं और हमें कैसे पता कि वाकई जरूरतमंद है तो आपका अपने ही Ibrahim Ghat के जो अलमना है आपके जो खुद के जो स्टूडेंट्स है उनको आपने एक्टिवेट करा तो व्हिच मींस दैट यू गाइस नो फर्स्ट हैंड कि कौन डिजर्विंग फैमिलीज हैं और किसकी सबसे ज्यादा अभी मदद तो बहुत सारे लोगों ने करनी पर किसकी फॉरन जरूरत है मदद करने की सो दैट आल्सो आई नो दैट TCF एंश्योर्स दैट व्हाटएवर वी गेट गोज टू द राइट पीपल एंड टू द मोस्ट डिजर्विंग फैमिलीज तो अच्छा सो नदीम साहब आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप अभी स्पोकन अबाउट हाउ इट्स हेल्पिंग द फंड आर हेल्पिंग द कम्युनिटीज बट व्हाट इफ हमारे पास ये फंड ना हो अगर TCF अपना रोल नहीं प्ले करे लोग अपना रोल नहीं प्ले करें मदद करने में हम सब इंडिविजुअली आगे नहीं बढ़े व्हाट विल हैपन टू दीज कम्युनिटीज एंड व्हाट विल हैपन टू दीज पीपल देखें अहम सवाल है हमारे यहाँ मेरा ख्याल ये है कि जो कम्युनिटीज में TCF ने अभी तक रीच आउट किया है या TCF प्लान कर रहा है रीच आउट करने का वो शायद TCF के लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन दीज आर नॉट न्यू प्लेसेस TCF हैज बीन इन Ibrahim Ghat फॉर द लास्ट 22 इयर्स And similarly, TCF is at so many, these urban slums and rural areas and villages for the last 10, 15, 18, 20 years. So by TCF, I mean we, the alumni, we are part of the organization. The teachers who live here, they are part of the organization. So this is a problem that is within TCF family. So TCF is helping them out just like the family and the donors, like everyone who supports TCF is a family to us, is a family to the ones they support. Jo aapka bunyadi sawal hai ki if TCF stops doing this, ya TCF does not step up in this COVID-19, what would happen? Logon ke halaat bahut mushkil ho jayenge aur. Abhi bhi people are in extremely difficult situations. We hear about a lot of relief funds, but it's very difficult given the population, the localities, the spread of the people. Ke har social organization or even the government ke wo reach out kare. So I think the situation would not be very good agar TCF jo hai wo logon ko की सपोर्ट ना करे या उनकी मदद ना कर पाए तो लोगों के हालात बहुत मुश्किल होंगे एंड आई थिंक लोगों को बाय मुश्किल आई लिटरली मीन के शायद वो खाने की जो बात है वहां तक बात आ जाए कि लोग मुकम्मल जो है वो पेट भर के शायद खाना भी ना खा सकें तो
तो मतलब कि सर्वाइवल ही मुश्किल है. इफ टीसीएफ डज नॉट स्टेप अप, इफ वी डोंट स्टेप अप, तो सर्वाइवल ही लोगों का इन कम्युनिटीज में मुश्किल है. बल्कि आई थिंक नेशन वाइड जो है वो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ दीज कम्युनिटीज टू एक्चुअली इवन आई मीन सर्वाइव ऑन अ डे टू डे बेसिस. मेरे ख्याल में अगर टीसीएफ और हम लोगों ने आके नहीं मदद की तो फिर बहुत बहुत कम चांसेस है कि और जगह से उनको मदद मिले. Is that right, Nadeem Saab? जी बिल्कुल. Very well summarized. बिल्कुल. Okay. Thank you, Nadeem Saab. अब मुझे audience से एक बात करनी है. वो ये कि if you guys have any questions to ask the panelists, Nadeem Saab से पूछना, रियाज साहब से पूछना, या मुझसे पूछना है अपने कुछ सवाल, तो आप अपने comment section में हमें अपने आपका you can see, you can write your questions, and हम थोड़ी देर बाद आपके questions जो है वो दो तीन questions जो जरूरी वाले questions होंगे वो हम लेके हम पैनलिस्ट से पूछेंगे एंड देन वी विल गेट बैक टू यू. रियाज साहब, ओवर टू यू अगेन. आई हैव टू आस्क, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू सी अहेड ऑफ योरसेल्फ? टीसीएफ को अभी फिलहाल क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और आगे इस पूरी फाइट अगेंस्ट COVID-19 व्हाट चैलेंजेस डू यू सी अहेड ऑफ योरसेल्फ? जी फायदा, आई थिंक दो मुख्तलिफ हिस्से हैं. एक तो ये कि जिस दौरान ये कोविड का सिलसिला मौजूद है तो क्या चैलेंजेस हैं, और फिर इसके बाद जब चीज़ें इंशाल्लाह नॉर्मेलिटी की तरफ आती हैं तो क्या चैलेंजेस. इस वक्त के चैलेंजेस तो मेरे ख्याल में वादे हैं, उन लोगों तक इमदाद पहुँचाना, रिलीफ पहुँचाना, जिस तरह नदीम ने कहा वो स्ट्रगलिंग टू पुट फूड ऑन टेबल टू इंश्योर दैट वो सिलसिला मौजूद रहे. एक कोई साहब यहाँ पूछ रहे हैं हाउ मेनी पीपल इज टीसीएफ हेल्प टुडे. आई सेड अर्लियर वी टचिंग नाउ अबाउट 7000 फैमिलीज we've reached out to in literally the last 14-15 days. And our aim is that inshallah, hopefully by the end of April, we would have taken that up to probably 12,000-15,000 and going across to 50,000 in probably the next month. So pehla to ye silsila hai ki ye relief ka kaam jiske andar humne bunyadi kirdar ada karna hai, wo barqarar hai. Magar jo dusra challenge hai, wo jab school khulte hain, tab ek aur bahut bada challenge nazar aayega. Pehli baat ki hamare paas wo salahiyat honi chahiye ki hamare school बच्चों को वापस लेकर आने के लिए तैयार हैं. एंड नंबर दो, इसके जरिए जो लाइवलीहुड पे प्रेशर आ रहा है, वी थिंक दैट ड्रॉप आउट्स बच्चों का, बच्चियों का, दोनों का, खासतौर पर बच्चियों का होने का इम्कान ज्यादा है. एंड देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज ऑफ आवर पीपल हु आर इन द कम्युनिटी एज वेल एज आवर टीचर्स आर ऑफ अ वेरी हाई नेचर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ताकि जब बच्चे स्कूल वापस आ रहे हों तो जो जो उनके साथ मुश्किल हों उनका हम किसी ना किसी तरह उसके बारे में कुछ कर पाएं. और उसके लिए द नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू नो, हाउ डू यू पुट टुगेदर इमीडिएट लेसन प्लान, हाउ डू यू पुट टुगेदर काउंसलिंग स्ट्रक्चर, सो दैट जब बच्चे वापस आएं उनको ड्रॉप आउट होने के वो खदशात ना रहे. आई थिंक वन ऑफ द क्वेश्चन दिस ऑल्सो कम थ्रू इज के वॉट आर वी डूइंग इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन वर्क. उसका मैंने जिक्र नहीं करा था, वो भी मैं कुछ हद तक करता चलूँ. पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने एक पीटीवी पे चैनल शुरू किया है टेली स्कूल के नाम से, क्योंकि पीटीवी का बीम जो है वो पूरे मुल्क में जाता है और सैटेलाइट कुछ कम है उसका कवरेज, मगर पीटीवी का बीम सबसे करीब इलाकों में भी जाएगा. एंड टीवी कवरेज नाउ इन द कंट्री इज ओवर 80% बाय सम काउंट्स एज मच एज 90%. सो टेलीविजन इज वन मीडियम जो कि अब मुल्क की अक्सरियत के पास पहुंचे. सो वहां पे उस स्कूल में पूरा दिन मुख्तलिफ एडटेक कंपनीज के बनाए हुए वीडियोज के जरिए तालीम का काम किया जा रहा है, मगर जो एक चीज की कमी नजर आ रही थी दैट वॉज एजुकेशन फॉर अर्ली ईयर्स which has to be engaging, has to be theme-based. अब TCF ने अपने स्कूल में thematic curriculum के ऊपर काम किया हुआ है, हमने उसके सिलसिले में कहानियाँ भी लिखी हुई हैं. So we just put together the first program that's to be aired this week, and then inshallah every week one of the programs will air. So for example, सबसे पहला program है that उसकी theme है my body, और उसमें कहानी भी इंसानियत से साहिबा पढ़ेंगी, कुछ वर्जिश भी होगी, फिर उसके जरिए बच्चों को noun और verb भी सिखाया जाएगा, ताकि पूरा बच्चे के लिए एक thematic स्ट्रक्चर मौजूद हो, ताकि 5-6-7 साल का बच्चा जो है वो अपनी टीवी के सामने बैठ के अच्छे तरीके से सीख पाए. सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट वी आर टेकिंग अप. बट जस्ट बिफोर यू मूव ऑन, आई वुड मेक वन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेस्ड ऑन व्हाट नदीम हैज सेड. अ लॉट ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द रूम आर नॉट न्यू टू टीसीएफ. आई वुड इमेजिन अ नंबर ऑफ देम आर लॉन्ग स्टैंडिंग टीसीएफ सपोर्टर्स, एंड वी हैव ऑफन स्पोकन ऑफ टीसीएफ मिशन बीइंग क्रिएटिंग एजेंट्स ऑफ पॉजिटिव चेंज. And as I say that, I'll request you to look at Nadeem, not Nadeem as a person, but Nadeem as a representative of thousands of alumni who are now spreading the word. This is the change that you have invested in. जब आप कहते हैं कि तालीम के जरिए तब्दीली आएगी, तो उस तब्दीली का स्क्रिप्ट हम नहीं लिख सकते.
अगर हम कहते 20 साल पहले हम ये स्क्रिप्ट लिखें कि जी ऐसी कोई हादसा होगा, ऐसी सूरत हाल होगी, और उसमें जहां पूरे मुल्क में क्लेरिक्स को समझाने की एक जरूरत है क्या होना चाहिए, वेयर मॉस्क डू नॉट प्ले द रोल ऑफ एन एडवर्सरी बट एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, और उसमें इन नौजवानों का वो किरदार जहाँ वो उस औरत की भी निशानदेही कर पाए जिसकी 5 बेटियां और कोई कमाने वाला नहीं है, और साथ साथ उन मसाजिद में भी जा सकें एंड हैव अ लॉजिकल डिस्कोर्स ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन इन द कम्युनिटी एट दैट स्टेज सो दैट द मैसेजिंग अराउंड सोशल डिस्टेंसिंग कम्स फ्रॉम द मॉस्क. नाउ दिस इज द डिविजन दैट एजुकेशन एंड आई थिंक दैट इज द वन थिंग दैट आई वॉक अवे बिकॉज नदीन जो बात करी, नदीन ने मुझे भी नहीं बताई थी, बहुत सारी बातें नहीं बताता नौजवान, मगर इस तरह के काम जो है माशाल्लाह, और ये एक कम्युनिटी में नहीं नजर आ रहे. आई कैन रिकाउंट सो मेनी स्टोरीज टू यू कमिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान ऑफ सिमिलर एलुमनाइज टीचर्स हु आर डूइंग थिंग्स दैट स्क्रिप्ट ऑफ व्हिच वी कुडंट हैव रिटन, वी कुडंट हैव एक्सपेक्टेड इट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एजुकेशन डज टू अस. राशब, एक जो आई थिंक बड़ा सबके दिलों में ये सवाल होगा, मेरे दिल में काफी टाइम से है, एंड आई एम श्योर हम जो लोग देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि हाउ कैन वी हेल्प, और नदीम साहब आपके लिए भी ये सवाल है कि हाउ कैन वी हेल्प, हाउ कैन समवन लाइक माई सेल्फ हेल्प, या जो हमें देख रहे हैं वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं. बिल्कुल जी, देखिये दुआ और दवा दोनों चीजों की जरूरत, और कभी कभी हम कहते हैं ये है कि जी कुछ नहीं कर सकते तो दुआ करते हैं, मगर मेरे ख्याल में दुआ पहले आती. I think the number of well-wishers that we have across the globe is a real asset. People who think well of the organization, people who wish the organization well. So the first thing I would say ki ye jazba TCF ke liye jo hai aapka, aapke nek dil duaein jo hain, mere khayal mein wo hamari bahut badi taqat hai. Aur jahan tak dawa ka taluq hai, hame aapki madad ki zarurat hai. Ramzan inshaallah 4-5 din mein shuru hua chahta hai. Zakat and donations form the backbone of this whole operation. In any given year, about 10 to 12% of our revenue comes through student fees, which are heavily discounted. So, you all know that primary school ke bache ki 10 rupees se shuru hoti hai, secondary ki 20 rupees se, average fee ko 150 rupees aati hai, average kharcha koi 1500. Now, as we do this relief operation, we need your support, and as we get beyond this relief operation, we need your support, because wo jo fees milti hai hame waazeh tawakkuf hai ki wo fees kam ho jayegi, aur us kam hone ke bawajood humne un bachche aur bachiyon ko school ke sath juda rakha. और ये मुमकिन नहीं हो पाएगा अगर हम अपने टीचर्स को वक्त पे तनख्वाहें दे के स्कूल से जुड़ा नहीं हो पाए, और उसके लिए हमें जरूरत है आप. सो यू कैन सी ऑन द स्लाइड दैट्स अपीयरिंग देयर आर मेनी वेज यू कैन डोनेट थ्रू फंड ट्रांसफर्स, थ्रू ऑनलाइन डोनेशंस, मेल, एंड एसेंशियली देयर आर मेनी नोट्स थ्रू व्हिच यू कैन अटैच योरसेल्फ टू TCF एंड सपोर्ट अस. बट वी नीड योर वेल विशेस, वी नीड योर गुड विशेस, वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर डोनेशंस, वी नीड योर ज़कात, इंशाल्लाह. रियासा, बहुत लोगों को ये बात आई थिंक मालूम नहीं है कि ज़कात जो है वो एजुकेशन पे भी दी जा सकती है, तो मे बी आई थिंक मे बी इफ यू कुड जस्ट से फ्यू वर्ड्स अबाउट दैट, अगर आप वो क्लेरिफाई कर दें, बिकॉज़ यू नो लोग सोच हर एक को नहीं पता ये बात. बहुत अच्छी बात की फायजा आपने, इसके ऊपर कभी कभी मुख्तलिफ राय होती है, मगर TCF को ज़कात देने का जो निज़ाम है वो पूरी तरह शरिया के साथ हम आहंग है. And I'll just take 30 seconds very briefly to explain that. Mufti Ibrahim Isa Sahab Daradum, Mufti Sahab is jo hamare Sharia advisor hain, Indus Hospital ke bhi SIU degree aur mukhtalif idaron ke. Shariat ki rooh se zakat jo hai wo 5 asase hote hain, yani sona, chandi, naqd, maal-e tijarat aur ghair zaruri ashya, jisme se any loan that is there subtracted, that gives the person's net wealth. And if that net wealth is below a certain threshold, you are eligible for zakat. So we have exactly that system operating at our schools, jahan families ka zakat evaluation kiya jata hai, unse wakalat nama liya jata hai, aur hamara sharia audit hota hai, aur us audit ki bina par jo jo paise aap zakat mein denge, that is ring fenced in a separate bank account, and it is spent only on those who have been considered eligible through the zakat evaluation process. So there is a fairly rigorous process in play. So anyone who considers zakat as a possible avenue to support TCF, I can say inshallah with assurance in my heart that we do have a process through which we will assure that any zakat you give wo shariat ke tamam taqazon ko nazar mein rakhte hue wusool bhi ki jaye aur kharch inshallah. Thank you so much Riaz sahab. Ab hum jayenge apne audience ke kuch sawalon ki taraf jo ki mere khayal mein equally important hai ki hum address kar sake isi session mein. कुछ सवालों के जवाब हम आपको चैट बॉक्स में अभी फौरन रिप्लाई कर देंगे. कुछ चीजें जो है वो आप यू कैन आस्क अस एंड क्वेश्चन हम लेटर
आंसर कर देंगे. रासा मरीन साहब, इधर वन ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. ये शर्जील साहब ने पूछा है कि कोविड 19 की कैंपेन के दौरान जो डोनेशंस आएंगी या जो फंड्स आएंगे उन पे किस चीज पे ज्यादा फोकस होगा? सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स, फीडिंग द चिल्ड्रन फैमिली, कैन यू प्लीज लिस्ट द टॉप 3 प्रायोरिटीज? अंडरस्टैंड. सो जो भी डोनेशन आएंगे हमने फैसला ये किया है कि उसका स्प्लिट 80-20 होगा. So 80% go to ensure that the teachers that we have and the schools that we have, that those are sustained and those are ready to take children back into schools. 20% of whatever donation is received, we will park towards COVID and a COVID relief fee. And we expect a fairly large sum of that to go towards the relief effort, which is your cash or ration provision. Umeed hai ki sabse badi aksariyat hum usi ke upar kharch kar rahe honge, because continuity of learning aur in the case of mein, what we all find is, for example, jo television wali collaboration hai, that is supported by the federal government. We find volunteers stepping up, jo ke hamari aur cheezon mein madad kar sakte hain. Sani Saeed sahab voluntary stories pad rahi hain. So we find a lot of goodwill that we can attach there. So whatever money is given, 80-20, 80 going towards maintaining TCF schools, ताकि वो तैयार हो बच्चों को वापस देने के लिए, and 20% goes towards the COVID appeal, जिसमें significant sum goes towards the relief operations. ठीक है, I hope Shreya साहब that answers your question. ये थोड़ा सा similar question है. If you one of you feels like answering this, I think it'll just add on to the previous answer. What percentage of our donations goes to teachers' salary, and what percentage goes to people struggling for food on the table? ये उसी का एक sort of I think थोड़ा वो है. Absolutely. So okay. TCF के अंदर सादी सी बात है कि हमारा काम क्योंकि स्कूल चलाना है, तो हमारा सबसे बड़ा खर्चा हमारे स्टाफ की सैलरीज है, हमारे टीचर्स की, हमारे नॉन फैकल्टी स्टाफ का सैलरीज है, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट समवेयर इन एनी गिवन ईयर बिटवीन 60-65% ऑफ आवर ओवरऑल कॉस्ट. सो इन दोज टर्म्स अगर आप समझें, जो भी डोनेशन आ रहा होगा उसमें 20% सीधा चला जाएगा कोविड की तरफ, मगर जो टीचर्स की सैलरीज को सस्टेन करने के लिए है, इट्स अबाउट द रिमेनिंग ऑफ द रिमेनिंग 80%, अबाउट 50% विल गो इनटू दैट. एंड दैट इज हाउ दैट स्ट्रक्चर वुड कम आउट. कि अगर आप कुछ भी अगर पैसे दे रहे हैं, तो मेरा अंदाजा ये है कि अबाउट 3/4 ऑफ देम विल आइदर गो टुवर्ड्स डायरेक्टली प्रोवाइडिंग रिलीफ टू दोज फैमिलीज हु आर इन नीड, सो दैट वी आर एबल टू पुट फूड ऑन द टेबल, और it will go to sustain those families of our staff who are dependent on TCF through their salaries and who are coming from the same community to sustain their families. So about 3/4 will go to both these causes combined. Thank you. Thank you so much, Riyaz sahab, and thank you, Naveen sahab. Just a reminder for all of you guys, aap logo comment section mein nazar bhi aa rahe honge pledge links and donation links, to aap abhi foreign pledge kar sakte hain, and then we will get back to you. Aapko apna naam aur email address, apni details deni hogi, and we will get back to you. Dusri tarika ye hai ki aap jo hai wo fund transfer kar dein. Again, you can do this online with a credit card. If you like, aapke paas ek aur tarika hai ki aap by email jo hai wo hame by mail aap hame हमारे हमें चेक सेंड कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली यू हैव द प्लेज लिंक एंड द डोनेशन लिंक. आप फॉरन फोन कर सकते हैं जितना जल्दी. आई वुड अर्ज यू गाइस, जितना जल्दी आप डोनेट कर सकें, हेल्प कर सकें, उतना ही अच्छा होगा, बिकॉज वी आर इन अर्जेंट नीड ऑफ योर हेल्प. एंड नाम एक दूसरे की इस वक्त मदद नहीं करेंगे तो आई डोंट नो कब इस बड़ी चीज अब मेरे ख्याल में दुनिया में क्या होने वाली. आई डोंट नो, बट दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस दैट वी ऑल फेस टुगेदर. This is a fight that we're all fighting, and please help PCF fight this fight. कोई सवाल आपके पास और हो मजीद इस बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल छोड़ सकते हैं, हम आपको जवाब इस सेशन के बाद देंगे. सर, do we have time for a little another small game? ताकि हम ऑडियंस को जो है वो सी ऑफ कर सके एक जरा लाइटर नोट के ऊपर. I think we have one more question. Maybe we can take that, and then we can do a small game, and then we can. Okay. We'll take one more question, and then we'll move on to our game, and then towards the end of the show. What is ये again Nadeem साहब, Riyaz साहब, आप दोनों में से कोई भी answer कर सकता है. What is the estimated time frame the financial aid will be provided? The part of the spread of the infection is dependent on support from the public, which is not completely under control. Em, do you want to also explain this question a little bit? Sorry, I think जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि
हम लोग कब तक लोगों को ये एड प्रोवाइड करेंगे, ये रिलीफ एड, बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट हैव अ टाइमलाइन ऑन व्हेन कोविड विल एक्चुअली कम टू एन एंड. एंड ऑब्वियसली द फीलिंग इज दैट यू नो द पब्लिक इज नॉट रियली यू नो फॉलोइंग द लॉकडाउन एंड द प्रिकॉशंस. प्रयास आपके लिए. Understand. So, again, the second part I wouldn't directly. I think communities are widespread and the reactions have been different. So it's not that one can universally say that people are not following lockdown instructions. I think if you go across Pakistan, there are differing facets that you see on that. But to the question around timelines, we don't know is the short and honest answer, because what we don't know is how will this pan out. हम सबकी दुआ है, ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में वो ना हो जो इटली में हो रहा है या स्पेन में हो रहा है, अमेरिका में. बिकॉज अल्लाह ना करे अगर हम खुद को स्नैच पे पाते हैं, देन आवर हेल्थ सिस्टम इज नोवेयर क्लोज टू एनी ऑफ दोस कंट्रीज. सो आई थिंक वी स्ट्रगल टू कोप विद. बट व्हाट वी डू नो इज दैट ये चीज प्रोबेबली विल हैव एन इम्पैक्ट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, विल एटलीस्ट हैव कंटिन्यू टू हैव एन इम्पैक्ट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बिकॉज पीपल्स लाइवलीहुड विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. एंड दैट्स वेयर आई थिंक स्ट्रेटेजिक we've gone with this cash transfer structure rather than ki hum ration ke thele, kyunki ration ke thelon mein jo ek mashallah bahut se log kaam kar rahe hain bahut achhai se kar rahe hain, I think that's much needed. But I think hum log ka kyunki hamare paas afshua alumni and staff ki salahiyat maujood rahi to be able to identify specific households, therefore with that identification we can afford to go the cash transfer. Aur usme ek aur associated fayda ye hai ki wo jo 2500 rupees humne diye, that's a 15 day provision. Now, अगर 15 दिन की प्रोविजन के बाद एक और जरूरत नहीं होती तो वील सपोर्ट मोर कम्युनिटीज, बट इट इज पॉसिबल कि अगर 15 दिन के बाद उन्हीं घरानों में जरूरत है तो वी मे डू अ सेकंड शॉट. सो दिस सिचुएशन इज इवॉल्विंग रैपिडली. आई थिंक इट इज डिफिकल्ट टू पुट एन एंड लाइन टू इट, बट व्हाट आवर कमिटमेंट इज दैट वी विल डू व्हाटएवर इट टेक्स इंशाल्लाह विद इन आवर पावर टू हेल्प द कम्युनिटीज दैट वी आर अ पार्ट ऑफ, एंड व्हाटएवर सपोर्ट दैट वी गेट इन टर्म्स ऑफ डोनेशंस फ्रॉम आवर डोनर्स, we will use them well, we will use that with discretion, and we'll use that to the best of our ability. thank you Riyaz sahab. Nadeem sahab, agar Ibrahim board mein particularly agar koi help karna chahe, volunteer karna chahe, aapki madad karna chahe, to wo kis tarike se contact kar sakta hai, how do we go about offering our services? I think if the help is in terms of donations and financial support, then CCF is the right option that people donate and lend their services to TCF in whatever way they can, and then TCF through the network that they have in Ibrahim Goat, the network of alumni, the network of teachers, would be in a better position to decide ke उस दी हुई मदद का या द सर्विसेज दैट समवन वुड वॉलंटियर का बेस्ट जो है वो यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है. ठीक है, थैंक यू सो मच नदीम साहब. TCF को आप डायरेक्टली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. TCF USA has raised a $3 million appeal and we need you guys to take action right now. अगर आपके आप खुद हेल्प आउट नहीं कर सकते then please do help us spread the message. Let anyone and everyone who know, let them know that we're doing this and we need your help urgently. Before we end this program, I would like to do one very short game with Riyaz sahab. I would like to play with the Riyaz sahab and Nadeem sahab. Agar aap dono ke paas 5 minute ka waqt aur hai to ye zara audience ko khushi khushi alvida kar denge. Absolutely, go ahead. Theek hai, to Riyaz sahab aapne hame ek scenario dena hai aur Nadeem sahab aapne hame scenario dena hai. This game is called Two Truths and a Lie. ठीक है, तो आपने तीन चीजें बतानी है अपने बारे में, उनमें से एक, रियाज साहब से शुरू करते हैं, रियाज साहब उनमें से एक झूठ है, ठीक है, और ऑडियंस ने और मैंने गेस करना है. जरा मुश्किल दीजिएगा कि उनमें से क्या चीज जो है वो झूठ है. सहार कमेंट्स में आप लोगों के आंसर्स देख रही है, तो सहार आपने हमें कुछ टाइम, आपने बस बताना है कि लोग जनरली क्या कह रहे हैं, आपने आंसर नहीं देना. आई विल गिव द फाइनल आंसर बट वी नीड योर हेल्प. सो ऑडियंस गेस करेगी और मैं गेस करूंगी. आपने हमें तीन चीजें बतानी है अपने बारे में, उनमें से एक झूठ है. नदीम साहब जब तक आप भी सोच ले जी. सो तीन चीजें बतानी है और एक उनमें से झूठ है. ओके, सो पहली चीज ये कि आई हैव फ्लोन ए ट्रेनिंग फाइटर जेट. द सेकंड इज दैट आई एम पब्लिश्ड ऑथर. एंड the third is that I'm theoretically very sound at cricket.
बड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी आपने स्टेटमेंट्स पास किए सर। ऑडियंस से पूछते हैं, ऑडियंस क्या कह रही है। तीन हमें सिचुएशन दिए लोगों ने लिखा। द लास्ट माविश खान कह रही है द लास्ट वन इज अ लाई, क्रिकेट वाला इज अ लाई। अनिका खान कह रही है फर्स्ट वन इज अ लाई। फाखिया राशिद कह रही है बस इज अ लाई, उन्होंने कहा बस इज पूरा का पूरा ही उनको झूठ लग रहा है सब कुछ। और भी कुछ हमें कॉमेंट एक दो और दिखाएं, मुझे आंसर देना होगा ना। देखिए क्रिकेट वाला, मुझे भी लगता है रियाज साहब की वो क्रिकेट वाली बात जो है वो सरासर झूठ है 100%। जी सो देखिए, यू मस्ट नोटिस माय वर्ड्स वेल। आई सेड आई एम थ्योरेटिकली वेरी साउंड इन क्रिकेट, आई एम थ्योरेटिकली वेरी साउंड एट क्रिकेट। सो आपको उसके रिकॉर्ड्स पूछने बहुत उसके ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप है। आई हैव फ्लोन अ ट्रेनिंग फाइटर जेट इन साउथ अफ्रीका, दैट वाज एन एक्सपीरियंस आई हैड। आई एम नॉट अ पब्लिश्ड ऑथर, माय यंग फ्रेंड नदीम हुसैन इज, बट उसके जितना मैं स्मार्ट आदमी हूं नहीं, तो इसलिए वो पब्लिश्ड ऑथर है मैं। ये मैंने नहीं सोचा था कि पब्लिश्ड ऑथर वाला है, ये दोनों चीजें बाकी जो थी वो इतना झूठ बड़ा लग रही थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं, ऑडियंस से भी नहीं सोचा था, किसी ने सेकंड वाले को बोला नहीं झूठ है। सो चले कांग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ मिस्ट्री टू योर फैंस राज साहब इवन आफ्टर ऑल दीस इयर्स। अच्छा भाई नदीम साहब, आप हमें बताएं तीन चीजें और हमारी ऑडियंस और मैं गेस करेंगे कि क्या उन तीन चीजों में से एक झूठ है। Nadeem, we can't hear you. You're on mute. Yeah, sorry. So yeah, I can drink 4 glasses of lassi in one go. I have interviewed Barack Obama and Osama bin Laden when Osama was alive on the same table. And I can speak 4 languages, 4 local Pakistani languages. I mean, okay, foreign फाकिया हमारी बड़ी एक लॉयल मुझे लग रहा है आंसरर है, उन्होंने लिखा है सेकंड इज अ लाई है ना ओबामा वाला। वाओ, किसी गजनफर खान कहते हैं वाओ सेकंड, फिर फजीलत कहती है यस ओके, अनिका कहती है सेकंड इज अ लाई, बीच वाला हुसैन महमूद कह रहे हैं कि बीच वाला झूठ है, व्हिच इज ओसामा एंड ओबामा वाला झूठ है। मतलब लोगों को लगता है लस्सी की 4 ग्लास भी पी सकते हैं आप और आप 4 languages भी बोल सकते हैं, लेकिन ओबामा के ओसामा के साथ आपने 1-on-1 नहीं किया अभी तक, आई मीन अब क्या, बट आपने कभी नहीं किया। मोना खान के लिए सेकंड वाला झूठ है वही। ज्यादातर लोग आई थिंक सर वी हैव आई हैव अ वर्डिक्ट, आई थिंक मोस्ट पीपल आर सेइंग द सेकंड वन इज अ लाई। बिल्कुल, फेसबुक पे भी यही ख्याल है ना, और नबील भी कह रहे हैं कि अच्छा नबील कह रहे हैं फर्स्ट वन इज अ लाई, लस्सी वाला झूठ है। नदीम साहब बता दें अपने चाहने वालों को कि इनमें से क्या चीज झूठ है। आई थिंक इट वाज क्वाइट ऑब्वियस, इट वाज अ ड्रीम व्हेन ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस एंड ओसामा वाज स्टिल अलाइव, कि मैं जिंदगी में दोनों को एक टेबल पे बिठा के कभी इंटरव्यू कर सकूं, लेकिन आई थिंक इट वाज नॉट। आपके आप लोगों के इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स है कि आप लोग जो चीज बोल रहे होते हैं लग रहा होता है कि सच है, तो ये ऑब्वियस था वैसे, लेकिन बस आई जस्ट पुट इट इन। ठीक है, थैंक यू सो मच राज साहब, नदीम साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। हमने कोशिश की कि हम जरा बैलेंस रख सकें आपके लिए, कि आप लोगों को अपना मैसेज भी कन्वे कर दें और आप लोग थोड़ा सा हमें लंबे अरसे के लिए, खासतौर पर मुझे लंबे अरसे के लिए बर्दाश्त कर सके, तो पैरिटेबल बनाए हम इस इवेंट को आपके लिए। ऑन अ पार्टिंग नोट, आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट डोंट थिंक दैट एनी अमाउंट इज टू बिग और टू स्मॉल। कभी कभी हम सोचते हैं यार हम इतनी जगह देते हैं, अभी हमें क्या जरूरत है देने की, हमने इतना तो दे दिया है, अच्छा अच्छा अगर मैं कम पैसे दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ो, यू नो समटाइम्स आई वुड थिंक दैट कि यू नो पैसे मैं इतने ज्यादा नहीं दे रही तो अच्छा नहीं लगता, छोड़ो नहीं देते। एंड आई मेड आई डिसाइडेड सिंस आई जॉइन टीसीए दैट आई विल नॉट कंसीडर एनी अमाउंट टू बी अ स्मॉल अमाउंट, मैं जितना दे सकूंगी चाहे वो कम हो ज्यादा हो मैं दे दूंगी, और ये भी ना सोचें कि बाद में दे दिया जाएगा। अगेन समथिंग दैट ऑल ऑफ अस थिंक बिफोर हेल्पिंग आउट अदर पीपल, कि अच्छा हम उस वक्त कर देंगे या वो जब सदका निकालेंगे जकात निकालेंगे तब कर देंगे, आज करें अभी करें जितना दे सकें उतना दें।
आपके पास ये आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहे होंगे हेल्प करने के तरीके, आप हमें चेक मेल कर सकते हैं, आपके पास ये एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, आप अभी प्लेज फॉर्म फॉरन फॉरन प्लेज फॉर्म फिल इन कर सकते हैं, वी विल गेट बैक टू यू एंड यू कैन हेल्प अस आउट, देन आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं फॉरन फॉरन, और आप डोनेट भी कर सकते हैं, हमारा लिंक यहाँ पर शेयर हुआ है, ऑनलाइन डोनेट आप अभी के अभी भी कर सकते हैं, और अगर कुछ ना कर सके मतलब डोनेट करना है, हेल्प आउट करना है, अगर आपने इतना हमारा गला सुखाने के बाद मतलब नदीम साहब रियाज साहब बेचारे टू ट्रूथ्स एंड अ लाई खेल रहे हैं, टू मिनट्स विद फैज़ल सलीम खेल रहे हैं, और आप लोग फिर भी कुछ ना दे तो बड़ी शर्म की बात होगी, और मेरे लिए भी बड़ा जो है गम का मुकाम होगा, इतना सब करने के बाद भी हमने बाद में बहुत टाइम स्पेंड किया ताकि इस पर वक्त गुजारा हमने कि आप लोगों के को ये हम थोड़ा लाइव इवेंट स्मूथली डिलीवर कर पाए, ये हमारा पहला लाइव इवेंट था, मेरा मेरी जिंदगी का इस तरह का पहला लाइव इवेंट था, टीसीएफ का पहला लाइव इवेंट था, तो थोड़ी ऊंच नीच हुई हो तो माजरत, लेकिन इन हालात में हमने जितना आपको दे सकते थे हमने दिया। एक एक कोट जो मैंने चलते फिरते सुना और इत्तेफाक से आज ही सुना, और मैंने सोचा कि मेरे ख्याल में इससे कोई सच बात हो नहीं सकती है, वो ये है, यू मेक अ लिविंग फ्रॉम व्हाट यू गेट, यू मेक अ लाइफ फ्रॉम व्हाट यू गिव। तो ये बात अगर मैं इंस्टाग्राम पे किसी फजूल से पोस्ट में शेयर कर देती तो शायद उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट आई थिंक इट सम्स अप आवर डिस्कशन टुडे वेरी नाइसली। तो जितना दे सकें उतना दें, और नहीं भी दे सकें तो दुआ करें कि हमारा गोल हम अचीव कर सके। Thank you so much for having us. Thank you, Sahar. Thank you for making all of this happen. Thank you, Riyaz Saab. Thank you, Nadeem Saab. I'm feeling quite overwhelmed right now. कि आप लोगों के बारे में इतना सुना और आज आप लोगों से जो है वो मैं कह सकती हूँ लोगों को कि आप लोग मेरे friends हैं क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ games खेले। तो अगर आपको कोई पूछे कि आप लोग मेरे friend हैं तो आपने बोलना है कि हाँ, बेइज्जती नहीं करवानी। थैंक यू फायज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ में आपका वक्त निकाल के करने का। इस तरह मैंने कहा कम लोग होते हैं जो कि बड़ा दिल रखते हैं और अपनी शोहरत का फायदा अच्छे तरीके से उठाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जनरल हॉस्पिटल। थैंक यू यार साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू नवीन साहब, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस एवरीवन। Thank you, everyone. Thank you so much for joining in. Thank you for all your support. And we'll be back with another virtual event for you guys. Thank you so much. Thank you.